मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी का आज 7वीं कड़ी आकाशवाणी से प्रसारित किया गया है। लोकवाणी में इस बार परीक्षा प्रबंधन और युवाओं के कैरियर आयाम विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लोकवाणी का विषय परीक्षा प्रबंधन और युवाओं के कैरियर आयाम पर आधारित होने के कारण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि समय का पूरा सदुपयोग करें, परीक्षा का समय खान पान सादा रखें, हल्का व्यायाम करें, मोबाइल टीवी आदि से दूर रहें, जिससे आँखों को आराम मिले और दिमाग भी शांत रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपना पूरा प्रयास करें कि अधिक अंक मिले तो अच्छा है और न मिले तो भी अच्छा है, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बिना उच्चतम अंक पाए बहुत से लोग अपने बेहतर कार्यों के दम पर शिखर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बच्चों को परीक्षा की तैयारी, तनाव से निपटने के उपायों की जानकारी देते हुए बच्चों के अभिभावकों से भी यह आग्रह किया है कि वे परीक्षा की तैयारी में अपने बच्चों के सहयोगी बने, परीक्षा में उच्च अंक लाने का उन पर दबाव न डालें। प्रदेश के विभिन्न शहरों और गाँव के बच्चों ने मुख्यमंत्री से अनेक सवाल पूछे, जिनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिलसिलेवार जवाब भी दिया। तैयारी के बाद भी अगर डर लगता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी है। इस तरह डर दूर करने के लिए अपने स्वभाव में बदलाव भी जरूरी होता है। तथ्य और तर्क के साथ विचार करने की आदत डालना जरूरी है। किसी ने ठीक कहा है, जो रखते हैं उड़ने का शौक, उन्हें नहीं होता है गिरने का खौफ। मेरा आप लोगों को सुझाव है कि परीक्षा के समय बिल्कुल 2020 मैच के प्लेयर की तरह व्यवहार कीजिए। जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए अभी जो समय आपके हाथ में है उसका पूरा सदुपयोग कैसे करेंगे। बच्चों, इस समय खाना पीना सादा रखें, हल्का व्यायाम करें, मोबाइल टीवी आदि से दूर रहें, जिससे आँखों को आराम मिले और दिमाग भी शांत रहे। पूरी पढ़ाई का बोझ एक साथ लेकर न बैठें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। जब जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हों तब सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें, इधर उधर की चिंता न करें। इससे आपकी एक एक विषय की तैयारी पूरी होती जाएगी। इसके अलावा अपनी रुचि के अनुसार कोई न कोई काम करते रहें। दिन में 5-7 मिनट कोई गाना गुनगुना लें, कोई प्रार्थना कर लें, थोड़ा उछल कूद घर पर ही कर लें। ऐसे तमाम उपाय हैं जो आपका डर दूर कर सकते हैं। वहीं राजधानी रायपुर के निगम कार्यालय स्थित गार्डन में आम लोगों के साथ बैठकर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने लोकवाणी का कार्यक्रम सुना। इस दौरान युवाओं और आमजनों की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग बड़े ही ध्यान से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुन रहे थे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने लोकवाणी के समाप्त होने के बाद देश टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम लोकवाणी के माध्यम से किया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की युवाओं की चिंता है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की 7वीं कड़ी परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे प्रदेश के छात्रों के द्वारा, पहली दूसरी 10वीं 12वीं छात्रों के द्वारा, जिनसे जो परीक्षा में जो डरते हैं या परीक्षा का हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम के समय हम लोग पढ़ाई करें, क्या करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि डर के आगे जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक कि किस तरीके से आप परीक्षा के लिए तैयारी करें, क्या आप जब एग्ज़ाम का जब समय हो तो आप क्या करें, उसके अलावा पेरेंट्स लोगों की भी क्या जवाबदारी तय होती है, किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद करें, किस तरीके से वो किसी की तुलना किसी बच्चे से ना करें और बच्चों को अनावश्यक रोक टोक ना करें। मतलब मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस परीक्षा प्रबंधन में आज मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो बच्चा जो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, जो पहली से लेकर 12वीं तक, उसको निश्चित तौर पर आज इस आज जो प्रसारण हुआ है उसका लाभ उसको मिलेगा। निगम कार्यालय के पास स्थित गार्डन में महापौर के साथ भारी संख्या में युवा भी उपस्थित होकर लोकवाणी का कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुने हैं।
कार्यक्रम के बारे में युवाओं ने कहा कि यह काफ़ी अच्छी पहल है, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगा और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मनोबल में बढ़ोतरी होगी। साथ ही युवाओं ने कहा कि लोकवाणी के सातवीं कड़ी में परीक्षा एवं युवा कैरियर आयाम विषय का चयन करना मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि को दर्शाता है। हमें यह प्रतीत हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के CM हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो युवाओं के बारे में बहुत ऊँचे विचार रखते हैं और जो शिक्षा के बारे में जो उन्होंने कहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवाओं का फ्यूचर आगे चलकर ब्राइट होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जो विचार लेकर वो चल रहे हैं, आशा करते हैं उनकी जो भी विचारधारा है आगे चलकर सक्सेस हो और युवाओं के साथ हम जुड़ना चाहते हैं और जो उनकी सोच है उनकी सोच पर हम जरूर आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले 20 मिनट से यहाँ जितने भी युवा हैं हम सब ने मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि जैसे आज की डेट में हर परिवार में बच्चों को लोगों को इतना तनाव हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है कि हमारा बच्चा पहला है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि डर के आगे जीत है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करूँगा कि ज़्यादा प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर ना डालें, सब पढ़ने आए हैं, सब आगे बढ़ने आए हैं, उनको पॉजिटिव रखें। ये मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है और हम लोगों ने सुना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोकवाणी के इस कड़ी में परीक्षा और युवा कैरियर आयाम विषय को चयन करने से आम जनों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। नगर निगम कार्यालय के पास स्थित गार्डन में युवाओं की भारी संख्या देखने को मिली, जो इस कार्यक्रम की सार्थकता को साफ तौर पर दर्शाती है। रायपुर से देश TV के लिए प्रमोद साहू की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।